नमस्कार दोस्तों, कांताज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमूल का सूप बनाना बताती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियोज आपको पसंद आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अमरुद का सूप बनाने के लिए हमें ऐसा पक्का अमरुद लेना है। जितना पक्का होगा उतना ही सूप अच्छा बनेगा। ये खांसी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसको पीने से खांसी हमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। रात को आप पी के सो जाइए। अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। इनके मैं छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ, फिर कुकर में डाल के इनकी 2 सीटी लगाऊंगी। ऐसे कुकर में डाल के सीटी लगा दूंगी। अब इसमें 1/2 गिलास में पानी डाल देती हूँ और इसमें काला नमक, सादा नमक, काली मिर्ची सब डाल के मैं सीटी लगाऊंगी। स्वाद अनुसार हमें इसमें काला नमक देना है। अब मैं इसमें ये सादा नमक डाल रही हूँ, सेंधा नमक है। मैं इसमें ये पीसी हुई काली मिर्ची दे दी। अब जी काला नमक, सादा नमक, जो सेंधा नमक मैंने डाला है, अब मैं इसको 2 सीटी लगाऊंगी कुकर में। मीडियम आंच में करके लगाएंगे तो बहुत अच्छे से पक जाएगा। हमें इसमें 2 सीटी लगानी है, मीडियम गैस रखनी है। ये देखिए हमारा ये अमरुद सीज के तैयार हो गया। अब मैं इसको इसे चलनी में छान के तैयार करती हूँ। आप इसमें बीटर भी चला सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मिक्सी में भी पीस सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने चलने के बाद 2 सेकंड तो इसे मैं वापस गर्म करूंगी, अच्छे से खोला लूंगी, अच्छे से तेज गर्म, जैसे फान आता है इस तरह से गर्म होना चाहिए। ये इसमें थोड़ा सा मैं सेका हुआ जीरा दे देती हूँ। ये सेका हुआ जीरा है, आपकी इच्छा हो तो आप चाट मसाला भी दे सकते हो। और थोड़ी सी आधी चम्मच हमें इसमें चीनी भी देनी है, अपना टेस्ट है। मीठा पसंद करते हो तो थोड़ी चीनी दे दीजिए, नहीं तो वैसे भी पी सकते हो। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता पीने में। अब मैं इसमें ये आधी चम्मच चीनी दे रही हूँ, मुझे इसमें चीनी थोड़ी पसंद है। तो हल्का सा खट्टा आपको पसंद है कि थोड़ा खट्टा भी चाहिए हल्का, आप 2-3 बूंद नींबू भी डाल सकते हो, लेकिन ये खांसी के लिए रामबाण है। आप इसको रात को पी के सो जाइए, पानी नहीं पीना है उसके ऊपर। हमें सुबह ही आपको देखिए कितनी आराम मिलेगी खांसी के अंदर। एक अमरुद से देखिए 1/2 लीटर जितना सूप बन गया अपना। अपने को कैसा गाढ़ा पीना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, हम लोग तो अमरुद बोलते हैं, महाराष्ट्र में पेरू बोलते हैं, कोई लताम बोलते हैं अमरुद को। इस अमरुद के सूप को आप लोग जरूर बना के पीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा सूप बन के तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, ये हमारा सूप बन के तैयार हो गया। इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा सेका हुआ जीरा, जरा सी काली मिर्च और थोड़ा धनिया पत्ता डाल दिया।